नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिना मास्क पाए गए 37,219 नागरिक, हादसे में बाइक सवार की मौत, मेट्रो की यात्री सेवा आज बंद। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बिना मास्क पाए गए 37,219 नागरिक। कोविड की रोकथाम के लिए पिछले वर्ष 21 मार्च से उपाय योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया गया है। इसके तहत मास्क का उपयोग नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ मनपा के उपद्रव शोध पतक द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शुरुआत में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ 200 रुपए जुर्माना वसूला गया, लेकिन इसका असर नहीं होने पर 500 रुपए जुर्माना निर्धारित कर दिया गया। 5,770 से वसूला गया 200 रुपए जुर्माना। पिछले वर्ष मार्च माह में कोविड संक्रमण की शुरुआत हुई, इसके बाद प्रतिबंधात्मक उपाय के तौर पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों से 200 रुपए जुर्माना वसूलने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया। इसके अनुसार 5,770 लोगों से 10,94,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। 37,221 से वसूला 500 रुपए का जुर्माना। उपद्रव शोध पतक के बिना मास्क घूम रहे 30,827 लोगों से 500 रुपए जुर्माना वसूला। कुल 1,54,13,500 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूले गए। तो वही दूसरी ओर हादसे में बाइक सवार की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक वाटोना निवासी रत्नाकर यशवंत राव गोतमारे है। घटना शनिवार की दोपहर 3:30 पर कलमेश्वर मोहपा मार्ग पर घोराट परिसर में हुई। गोतमारे कलमेश्वर MIDC के निजी कंपनी में कार्यरत है। काम निपटा कर बाइक पर घर लौट रहे थे। मार्ग में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वे बाइक के साथ दूर तक घिसटते चले गए। इसमें गोतमारे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर कलमेश्वर थाने के API मुंडे सहकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गोतमारे को ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वही तीसरे और मेट्रो की यात्री सेवा आज बंद। नागपुर उज्जवल नगर छत्रपति चौक और कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के लिए नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑरेंज लाइन की यात्री सेवा रविवार 21 मार्च को बंद रहेगी और दूसरे दिन सोमवार से यह सेवा पुनर्वर्त उपलब्ध कराई जाएगी। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के प्रति खेद प्रकट किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।